हम आ चुके हैं IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ से हम देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन क्या आउट हुआ है। चलिए वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या आपकी 48 पोस्ट हैं, जिसमें कि SC कैटेगरीज वालों के लिए 15 है, ST वालों के लिए 7.5% सीट है, OBC वालों के लिए 27% है, PWD वालों के लिए 4% है, EWS वालों के लिए 10% है। वॉक इन इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई इस एग्ज़ाम को भरने के लिए आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। सैलरी आपकी 30,000 रुपये रहेगी पर मंथ। और इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका BSc में हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर ये नहीं है तो आपके पास BBA या फिर MBA कर रखा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है तो BSc होटल मैनेजमेंट का है कैटरिंग साइंस के लिए तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर आपने MBA कर रखा है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो कॉलेज, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं यानी कि वो UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस इसमें आपका 2 साल का मांगा गया है आपको अप्लाई करने के लिए। और अपर एज लिमिट आपकी, आपकी जो एज है वो 1 अप्रैल के बेस पे काउंट की जाएगी। अपर एज लिमिट आपकी रखी गई है 28 साल जनरल वालों के लिए। बाकी रिलैक्सेशन है, जैसे कि OBC वालों को 3 साल का मिलता है, PWD वालों को 10 साल का मिलता है और SC ST वालों को 5 साल का मिलता है। और जो कैंडिडेट्स हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे की जा सकती है, तो जो आपकी पोस्टिंग है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे की जा सकती है। सिलेक्शन किस तरीके से, वो वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका, मेडिकल फिटनेस आपका लग सकता है। CTC पर मंथ आपकी 30,000 रुपये सैलरी होगी। डेली अलाउंसेस आपकी 350 हैं। और यहाँ पे इसको वर्क यहाँ पे देखकर कुछ इंफॉर्मेशन दी है। और वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पे हो सकता है ये दे रखा है, साथ के साथ यहाँ पे डेट भी दी है, जैसे 6 अप्रैल का। अगर आप GV Raja Road यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में करते हैं तो आपका 6 तारीख का वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। चेन्नई तमिलनाडु में करते हैं तो आपका 10 या 11 का रह सकता है। बेंगलोर कर्नाटका में करते हैं तो आपका 13 तारीख का रहेगा। और बाकी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, और ऑफलाइन मोड में जो आप अप्लाई करेंगे उसके लिए ये फॉर्म है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करके। तो फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, साथ के साथ आपके पापा का नाम यहाँ पे लिखना है, और फिर यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखनी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप रह रहे हैं अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप इसका इस समय चालू हो, ईमेल आईडी जो आप इस समय अपनी हो, नहीं है तो बना लेना। यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है। परमानेंट एड्रेस, जो आप एड्रेस यहाँ पे डालेंगे प्रेजेंट एड्रेस, वो ही आप परमानेंट एड्रेस में डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और डेट, जेंडर डाल दीजिए, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं अनमैरिड वो डाल दीजिए, आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसे डाल दीजिए, प्रोफेशनल टेक्नीशियन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर दीजिए। 10th में आपका क्या था, ड्यूरेशन फुल टाइम डिस्टेंस से किया, कैसे किया वो यहाँ पर लिख दीजिए, कितनी परसेंट आई वो लिख दीजिए, कहाँ से किया वो यहाँ लिख दीजिए, फिर 12th का ऐसे ही भर दीजिए, ग्रेजुएशन का भर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो मत भरिएगा। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे भरेंगे, जो भी आपका और एक्सपीरियंस है जहाँ पे भी आपने काम किया उसका नाम यहाँ लिखेंगे। पे हेल्ड स्केल पीरियड रो जो भी आपका था, पीरियड टाइम कब से कब तक किया, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या जॉब थी आपकी, डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपको अटैच करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह जो भी आपने की रखा है उसका लगाना होगा, फोटोकॉपी, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस जहाँ पे भी काम किया वो लगाना होगा, डेट ऑफ बर्थ की फोटोकॉपी लगानी होगी, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं लगानी होगी। जनरल कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं लगाते हैं, और अदर कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर जिस डेट को आपने फॉर्म फिल किया है वो डेट लिख दीजिए, प्लीज लिख दीजिए, और यहाँ पे अपनी साइन कर दीजिए, बस इतना करना और जाके फॉर्म को जमा कर दीजिए। तो मेरे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ देखने की।